तो आप में से कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे थे कि SBI के खिलाफ कंप्लेंट कैसे करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जो तरीका ये है कि आप लोग A4 साइज पे अपना एक कंप्लेंट लिख के वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स में डाल दो, बट वहाँ पे सुनवाई बहुत ही धीमी होती है और हो सकता है कि जो कंप्लेंट बॉक्स में आप कंप्लेंट डालो वो भी वो लोग ना पढ़ें। लेकिन ऑनलाइन अगर आप करते हो तो ये शिकायत जरूर दर्ज होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोग को पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि SBI का अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ मिसबिहेव करता है या फिर आपका वर्क नहीं करता तो आप लोग उसके खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग को SBI के ऑफिशियल वेबसाइट onlinesbi.com पे आप लोग को चले आना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, तो वहां से आप जाकर डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हो। बट यहां पर देख सकते हो यही वेबसाइट आप सर्च करोगे गूगल पे onlinesbi.com तो यहां पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहां पर सबसे ऊपर आप देख रहे हो लिखा हुआ है यूजफुल लिंक्स, तो इसी यूजफुल लिंक्स पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करोगे यहां पे तमाम तरीके के लिंक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म करके एक लिंक आपको दिया हुआ है, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहां पे आगे एक और लिंक दिया हुआ कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट फॉर्म, इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, शायद इसमें कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो इस पे आप लोग को क्लिक नहीं करना है। आप लोग इस पे कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म पे क्लिक करोगे यहां पे एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको आप लोग को पूरा फिलअप कर लेना है। इसमें आप लोग को सबसे पहले फिलअप कर लेना है कस्टमर टाइप, तो यहाँ पे आप लोग सेट कर लोगे कस्टमर टाइप। तो यहाँ पे आप लोग को अगर SBI के एग्जिस्टिंग यानी कि SBI में आप लोग का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग को एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे नेम ऑफ कंप्लेंट यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ब्रांच कोड फिलअप करना है यानी कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, SBI के जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का एक कोड होता है, तो वो ब्रांच कोड आप 5 डिजिट का कोड होता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। अगर आप मान लीजिए आपको अपने ब्रांच का ब्रांच कोड नहीं पता है तो यहाँ पे जो ब्रांच लोकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है इसके सामने, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को ब्रांच अपने ब्रांच का कोड पता करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने अपने सिटी का नाम इसके साथ ही यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप किया, यहाँ पे नीचे मेरे जिले में जितने भी SBI के ब्रांच हैं सबका ब्रांच कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनमें से ऐसे आप लोग भी सर्च करके देख लोगे। तो ब्रांच कोड फिलअप करने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। इसके बाद कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स, इसमें आप लोगों को कई प्रकार के कंप्लेंट्स की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि अगर आप लोग को ATM से कोई रिलेटेड कंप्लेंट करना हो तो यहाँ पे ATM सेलेक्ट करोगे, एडवांस भीम UPI डीमैट डिपॉजिट जनरल बैंकिंग गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इस पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे योनो से कंप्लेंट योनो से रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करानी है तो मैं यहाँ पे योनो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाओगे तो यहाँ पे भी आप लोग को कई सारे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से आप लोग को भी जो प्रॉब्लम आ रही हो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ कंप्लेंट ये भी यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, नेचर ऑफ कंप्लेंट। तो इस पर जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप लोग को तमाम तरीके की लिस्ट दिख जाएगी, इसमें आप लोग क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को डिटेल में अपनी प्रॉब्लम 500 कैरेक्टर के अंदर ही यहाँ पे टाइप कर देनी है। देन यहाँ पे आप लोग को ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो चलिए सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप लोग अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट करोगे आप लोग की कंप्लेंट दर्ज कर ली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी भी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कर ली गई है। इसके साथ इसमें आप लोग को एक टिकट नंबर दिया जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे भेज दिया जाएगा, उसे टिकट नंबर के थ्रू आप लोग अपनी कंप्लेंट को भी ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे कस्टमर केयर के नंबर, इस पर आप लोग कॉल करके भी अपने टिकट नंबर के थ्रू अपनी कंप्लेंट की जानकारी यानी कि स्टेटस पता कर सकते हो। फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग बेहद आसानी से SBI में कंप्लेंट कर सकते हो, SBI के खिलाफ शिकायत कर सकते हो। अगर मान लीजिए इसमें शिकायत करने के ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती, आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाती, तो इसके आप लोग को 15 दिनों का वेट कर लेना है। 15 दिनों का वेट करने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए। तो एक बार अगर आपकी कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाती है तो समझिए कि मैनेजर के साथ साथ SBI यानी कि बैंक की भी पुंगी बजा दी जाएगी।
लेकिन यहीं पे हमें लगता है कि ऑनलाइन शिकायत करने पे ही आपके शिकायत का लगभग 90% निपटारा हो जाता है, केवल 10% ही मामले RBI तक जा पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले अगर आपको कोई शिकायत करनी हो तो आप लोग ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर या फिर लिखित शिकायत आप कर दें, देन आप एलिजिबल हो गए RBI में शिकायत करने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह के हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।